कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त की दुआ, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम वअंतुम सलफुना वनहनु बिल अथर। तर्जमा, ए कब्र वालो, तुम पर सलाम हो, अल्लाह ताला हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए और तुम हमसे पहले पहुंच गए। फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ऐ आसमानों और जमीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्शे अजीम के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज्जत और जिल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खतादार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ कर दे। ऐ अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों खताओं और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत हम अपने गुनाहों से तोबा करते हैं, हमारी तोबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह गुनहगार हैं, सयाहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। हमारे माबूद हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ कर दे। ऐ अल्लाह पाक हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राजी हो जाए, जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर जिन